कभी आपने सोचा है कि हमारे लोग क्यों बिक जाते हैं? क्योंकि जब हम अपने आप को मुसीबत में घिरा पाते हैं और अपनों से मदद की गुहार लगाते हैं, बड़े अधिकारी, प्रभावशाली लोग, नेता सभी के पास जाते हैं, लेकिन अफसोस हम अपनों से ही कोई मदद नहीं पाते हैं। तब लाचार होकर हम आखिर उन्हीं के पास जाते हैं जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। वो हमारी मदद का स्वांग रचाते हैं, मदद के नाम पर हमारा जमीर भी गिरवी रखवा जाते हैं। फिर हमारा समाज कहता है कि वोट के समय लोग क्यों बिक जाते हैं? क्योंकि समाज में बहुत से नेता वो बने हैं जो खुद पूना पैक्ट के जने हैं, जो खुद को उनके सामने असहाय पाते हैं, जो उनको भी लोभ झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। तो क्या हम ऐसे ही फंसते रहे मुकदमों के चक्रव्यूह में? तो क्या हम बिकने दे समाज को लाचारी के मूल्य में? छोटा सा चारा लगे कांटे से कब तक होगा हमारा शिकार? हमारा संविधान खतरे में है, इसलिए अब है वक्त की पुकार। हम खुद बने सक्षम, करें बाबा साहब का सपना साकार। रोजगार से आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य की सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार। अब आर्थिक क्रांति से सामाजिक क्रांति का आगाज हो। चलो बनाए बहुजनों को इतना सक्षम कि उनमें जीत का विश्वास हो, ताकि जाना न पड़े किसी गैर की चौखट पर। हम सहारा बने एक दूसरे का, अपनों के हाथों में अपना हाथ हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ बीता वो बहुजनों के साथ हो। जय भीम साथियों, मैं रमेश थेटे एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज विषय थोड़ा फिल्मों से हटके हैं। मुझे लगा कि आपसे बात होना चाहिए और थोड़ा सा बात करने में खुलापन हो, थोड़ी डायरेक्ट बात हो जाए और बात भी ऐसी हो जाए कि ये वक्त की पुकार है, वक्त की मांग है। और यही सोच के मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दरअसल बाबा साहब के जाने के बाद हमारे समाज की जो स्थिति है उसका यदि हम विश्लेषण करते हैं तो आप ये पाएंगे कि बहुत बड़ा तबका, समाज का बहुत बड़ा तबका, जो लाभ समाज को मिलना चाहिए था उससे वंचित है। वंचित इसलिए कि दौड़ में थोड़ा वो कमजोर पड़ा और फिर आगे जा नहीं पाया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके कई कारण हैं। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरा जो विश्लेषण है वो फैक्ट्स के आधार पे है, तथ्यों के आधार पे है। हम आज देखते हैं कि हमारे गांव में, मतलब ग्रामीण इलाकों में और शहरों में भी, जहां ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग रहते हैं हमारे समाज के, वो झुग्गी झोपड़ियों में, झोपड़पट्टी में और छोटे छोटे ऐसे मकानों में रहते हैं जहां जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये आखिर ये लोग भी उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज का एक कलेक्टर है, कमिश्नर है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है या मुख्यमंत्री है। उनका स्टेटस और इन लोगों का स्टेटस, इसमें इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है भाई? अगर हम इसका विचार करते हैं तो आपको ऐसे चौंकाने वाले तथ्य मिलेंगे, बड़े पैमाने पे हमारे समाज के लोग नौकरी में हैं। IAS IPS से लेके छोटा सा छोटा कर्मचारी हमारे समाज का, वो इसलिए बना, इसलिए पद पे गया क्योंकि बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था लागू करके हमें सौगात दी, हम पर उपकार किया। तो फिर इसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, मतलब समान रूप से कहो या एक सम्यक वितरण
संसाधनों का सम्यक वितरण होना चाहिए था जो हो नहीं पाया। या आप ये कह सकते हैं कि जिनको मिला उन्होंने शेयर नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में आता है या कोई विधायक बनता है या मंत्री बनता है उसको पूरा के पूरा समाज में बांटकर अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर हमारे समाज का कोई ऐसा अधिकारी या पदाधिकारी पॉलिटिशियन किसी ऐसे पोजीशन में जाता है जहां उसको अपने परिवार के लिए अपने लिए निश्चित हिस्सा रखने के बाद में उसके मन में जब समाज को कुछ देने की बात आएगी तो वो दे सकता है। अब कितने लोगों ने दिया, कितने लोग दे रहे हैं, अब ये चर्चा का विषय है। मेरा खुद का मानना है कि नॉट इवन 5% ऑफ दोज पीपल, मतलब 5% भी ऐसे लोग नहीं हैं जो शेयरिंग में विश्वास रखते हैं, नहीं करते हैं। और इसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर हमारे समाज के लोगों में निराशा का भाव है। आप जाइए, आप गांव में जाइए या शहर के झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, आपको यह निराशा नजर आएगी। आपको उनकी बातों में वो तीखापन नजर आएगा निराशा के साथ साथ, ये साहब हमारे लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये क्यों होता है? बाबा साहब ने तो दीक्षा भूमि पे कहा था कि आपकी कमाई का 20% हिस्सा आप समाज के लिए खर्च करो, कोई नहीं करता जी। और जो करते भी है तो उन पे जो है टीका टिप्पणी होती है, मैं जानता हूं ये। लेकिन इससे हम हतोत्साहित नहीं होंगे, ऐसे लोग हैं, 5% लोग तो हैं, उन 5% लोगों में मैं भी हूं कि जिसको लगता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं बाबा साहब के साथ में बेईमानी कर रहा हूं, ऐसे लोग हैं हमारे समाज में। लेकिन 5% है, मतलब मैं 100% यदि नौकरी पेशा या पावरफुल लोगों की बात करता हूं, मैं तो उन लोगों में से 5% बोल रहा हूं, मैं टोटल पॉपुलेशन का 5% नहीं बोल रहा हूं। नहीं करते तो फिर अगर नहीं करते तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? अब देखिए, इसका इफेक्ट यह हो रहा है कि हमारे समाज का आदमी लाचार बन गया। वो दाएं बाएं देखता है, उस पर जब कोई विपदा आती है, कोई आपत्ति आती है, कोई संकट आता है या कोई उसके घर का ऐसा कोई काम होता है जिस पर वो इधर उधर देखता है, मदद की गुहार लगाता है, और जब उसको कोई मदद नहीं मिलती है हमारे लोगों से, हमारे अधिकारियों से, हमारे नेताओं से, हमारे विधायक से, हमारे मंत्री से, या वो कर्ता धरता लोग जो हमारे समाज के, उनसे जब मदद नहीं मिलती है तो वो ऐसी चौखट पे जाता है जहां उसको मदद मिलती है। वो चौखट है, किसकी चौखट है? वो आपको गुलाम बनाने वालों की चौखट है। उस चौखट पे जाता है वो, जिस चौखट पे जाता है वो चौखट वाला, वो जानता है कि ये बंदा क्यों आया मेरे पास, उसको मालूम है, भली भांति मालूम है, उसको लगता है कि ये क्यों आया मेरे पास, वो भाप लेता है और उसके कहने के पहले ही वो ऐसा सिग्नल देता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वहां से उसको मदद मिलती है और ऐसी मदद मिलती है आंखों ही आंखों में जो बात हो जाती है, तो उसको लगता है कि भाई मेरे लोगों ने मेरी मदद नहीं की, मेरे समाज के अधिकारियों ने मदद नहीं की, मेरे समाज के विधायकों ने मदद नहीं की, मेरे समाज के मंत्री ने मदद नहीं की और मेरे अपनों ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन इस चौखट पे मैं आया हूं, यहां पर मुझे मदद मिली है। वो मदद नहीं थी, वो लालच था, वो कीमत थी, स्वाभिमान को खरीदने की कीमत। लाचार बन गया आदमी।
ये लाचार बना हुआ आदमी जो अपना सब कुछ बेच देता है, बिक जाता है ऐसे चौखट पे, जो हमें गुलाम बनाने की मशीन रखते हैं अपने पास में, वो सामाजिक क्रांति क्या करेगा? उसका क्या दोष है? आप बोलते हो कि भाई सारे लोग जो है फिर ऐसा संकट आने पे अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। वो क्यों छिप जाते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी सहायता करने के लिए हम में से कोई नहीं आएगा। फिर क्या करेगा वो? फिर वही करेगा जब चुनाव आता है तो ये आदमी और उस चौखट वाले की मुलाकात होती है। मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ, सुनिए, सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ। मुलाकात होती है, उसकी आँखों में वो आँख डाल के बात करता है वो चौखट वाला कि भाई साहब जब आप पे संकट था तो हम आपकी मदद के लिए आए थे, जब कोई आपका अपना मदद करने को तैयार नहीं था। हमारा निवेदन है हमें वोट दीजिए, हमें सत्ता में बिठाइए। बंदा वही करता है, हमारा आदमी वही करता है। वो नमक हराम नहीं है, वो बोलता है कि इसने मेरी मदद की थी। फिर लाख आप बाबा साहब की बातें उसको कहो, बताओ उसको, उसके अंदर ही अंदर वो जलता है। उसको मालूम है कि बाबा साहब ने ये कहा था कि अपना स्वाभिमान मत बेचना, लेकिन उसके सामने विकल्प क्या है? अरे वो तो अपनों के पास गया था ना, पहले आपके पास आया था ना, वो आपके पास जिनको बाबा साहब ने नौकरी में बिठाया वो आपके पास आया था। व्हाट डिड यू डू? आपने कुछ नहीं किया, वहां गया वो, उसको मिला ना जो चाहिए था, मिला ना, लेकिन गलती उसकी नहीं है। वो क्या करता? अपने परिवार को मरने देता? उसका बच्चा या उसकी बीवी, उसको कोई बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आया या कोई ऐसी कोई बात हो गई जिस पे मदद चाहिए थी, आपकी मदद चाहिए, आपने नहीं की, वो वहां गया, उसको मदद मिल गई, उसका परिवार बच गया, वो क्या करेगा? इट इज नॉट हिज फॉल्ट, उसका दोष नहीं है, वो हमारा दोष है, हम जैसे लोगों का दोष है। गुलाम बन गया वो। आप चिल्लाओ, जितना भी चिल्लाओ, ये सरकार आई है, ये ऐसा कर रही है, ये वैसा कर रही है, इसके लिए दोषी हम लोग हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बेच दिया उसने अपने आप को। ऐसे कई लोग हैं, करोड़ों लोग हैं ऐसे, क्या करेंगे बेचारे। लेकिन फिर ये स्थिति क्या ठीक है क्या? क्यों ये स्थिति आई क्यों है? देखिए मैं बोल रहा हूं ना, एक कलेक्टर है और एक चपरासी भी नहीं है, उसके पास कोई खेती नहीं है, मजदूरी है, मजदूरी में मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो रोजगार। अरे आपके पास पक्का रोजगार, उसके पास रोजगार नहीं है ना भाई, वो क्या करेगा? उसको रोजगार चाहिए, उसका परिवार पालना है उसको, आपको चिंता नहीं है। और फिर सरकार दुनिया भर के प्रोग्राम्स निकालती है और रोजगार की क्या स्थिति होती है वो हमें मालूम है। मैं 35 साल नौकरी में था, प्रशासन में था, बड़े बड़ी नौकरी में था, मैं जानता हूं। तो इसका कारण जो है मेरे साथियों, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं एक वास्तववादी विश्लेषण आपको बताया मैंने, और फैक्ट है। और इसके आधार पे मैं आपके साथ में जो आज मैं वार्तालाप कर रहा हूं, उसका कारण यह है कि इस स्थिति में परिवर्तन होने की आवश्यकता है, हो सकता है परिवर्तन हो सकता है। कैसे? तो मेरे हिसाब से अब देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं, एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं, इस व्यवस्था में मैं अकेला नहीं हूं, मैं सारे समाज की बात कर रहा हूं, लीड हम जरूर लेंगे। कंपनी के स्तर पर, कंपनी का मतलब है आरटीएफ, रमेश थिएटर फिल्म्स, ये प्रोडक्शन हाउस है, और इस प्रोडक्शन हाउस का विस्तारीकरण करके इस व्यवस्था को लागू करने की बात मैं कर रहा हूं। ये व्यवस्था कैसे लागू होगी? अब देखिए, मैं चाह रहा हूं कि हमारे देश में ऐसे 23 राज्य हैं, 23 राज्यों में लगभग 2 लाख
50,000 ग्राम पंचायतें हैं, मतलब एक ग्राम पंचायत में 2-3 गांव आते हैं, विलेजेस आते हैं, और अगर एक बड़ा विलेज है, बड़ा गांव है, तो फिर ये एक ही विलेज रहता है उस पंचायत में। तो लगभग पंचायत की पॉपुलेशन, जनसंख्या ग्राम पंचायत की, मतलब 6,000 से 7,000 पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी पॉपुलेशन वाला जो प्लेस है, ग्राम पंचायत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे 23 राज्यों में जिसमें हिंदी स्पीकिंग हो या हिंदी जानने वाले लोग हो, ऐसे ये 23 राज्य हैं। इन 23 राज्यों में 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं। इन 23 राज्यों में 500 जिले हैं, 5,000 ब्लॉक्स है, यानी कि जनपद पंचायत, कहीं 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 इसको जनपद पंचायत कहा जाता है, कहीं पंचायत समिति कहा जाता है, मतलब एक तहसील स्तर का एक प्लेस है, जो स्थान है, जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। ऐसे 5,000 ब्लॉक है और 5,000 ही सिटीज हैं, मतलब बड़ी हो छोटी हो, ये सब मिला के इस तरह की जनसंख्या हमारी इन 23 राज्यों में बसती है। अगर बड़े शहर है तो उनमें वार्ड्स होते हैं, कहीं कहीं 100-100 वार्ड हैं बड़े शहरों में, इससे भी ज़्यादा हैं, मुंबई जैसे शहर में तो बहुत बहुत ज़्यादा वार्ड्स हैं, और जोन्स भी होते हैं, और जो छोटे शहर हैं उनमें वार्ड्स होते हैं। तो ऐसा कुल मिला के यदि हम कह सकें, मतलब कंफर्टेबली कह सकें, तो 3,00,000 पंचायतें या शहर के वार्ड अगर हम ध्यान में रखते हैं तो 3,00,000 की ये संख्या है। तो इन 3,00,000 स्थानों पर, जिसमें ग्राम पंचायत और हमारे शहरी वार्ड, ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ जो है हम अपना आदमी नियुक्त करना चाहते हैं इन लोगों की सेवा करने के लिए। कंपनी की तरफ से इन 3,00,000 जगहों पे एक व्यक्ति की नियुक्ति हम करना चाहते हैं, डायरेक्टली वो हमारा पेड वर्कर होगा, आपका पेड वर्कर होगा, मतलब हमारा बोले तो आपका, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारे लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये व्यक्ति जो है हमारे लोगों की सेवा में, उनकी मदद करने में, उनको संकट के समय पूरा सपोर्ट देने में ये लगा रहेगा, और इसको कंपनी तनख्वाह देगी। इसका काम क्या होगा ये मैं आगे बता रहा हूँ। चाहे आपकी स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे आपके बेटियों के शादी की बात हो जिसमें आपको थोड़ी बहुत मदद लगती है, चाहे कोई ऐसा संकट हो जिसमें कानूनी स्थिति की बात हो, जिसमें जिस संकट में या जिस ज़रूरत में आपके बच्चों की पढ़ाई हो, उसके करियर प्लानिंग की बात हो, और चाहे कोई सरकारी ऐसा मसला जिसमें आपको मदद की ज़रूरत होती है, आप नेताओं के पास जाते हैं, आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं, मतलब उस चौखट की बात कर रहा हूँ। तो ये सारा काम जो है छोटे स्थान से लेके, मतलब ग्राम पंचायत से लेके राज्य स्तर तक, इसका पूरा जो ख्याल है, उसका ध्यान है, वो हम रखना चाहते हैं, और कंपनी के मार्फत ये होगा। इन लोगों को, मतलब ये 3,00,000 स्थानों पर जो लोग कंपनी के नियुक्त हो जाएंगे, इनका एक ही काम है, वहाँ की स्थिति का पूरा जायज़ा लेके हेडक्वार्टर, यानी कंपनी के हेडक्वार्टर तक पहुँचाना, और फिर किन किन को कैसे कैसे मदद चाहिए इसकी जानकारी कंपनी को देना, ताकि हम समय पर हमारे लोगों की मदद कर सकें। अब ये कैसे होगा? देखिए, एक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत में नियुक्त होगा, उसको कहेंगे हम न्यूज़ रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर। न्यूज़ रिपोर्टर किसका? इक्वालिटी न्यूज़, ये डिजिटल चैनल होगा, नेशनल लेवल का डिजिटल न्यूज़ चैनल होगा ये, और इसकी पहुंच पूरे देश में होगी, और काम करने का जो तरीका होगा वो नीचे से लेकर ऊपर तक का होगा। वो ज़मीनी स्तर पर क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी देगा, कोई अन्याय अत्याचार या अन्य भी समस्या है, कोई सरकारी ऐसी बात हो, उसकी पूरी जानकारी वो हेडक्वार्टर को देगा, और वो न्यूज़ चैनल पर वो सारी बातें
आएंगी। मतलब एक सेकंड में, विद इन नो सेकंड्स, जो भी घटना है, जो भी स्थितियां हैं, उसकी जानकारी हमारे सारे लोगों तक पहुंच जाएंगी। तो इक्वालिटी न्यूज ये बड़ा परिवर्तन का एक ऐसा संदेश है जिसमें मैं चाहता हूं कि आप में से सारे लोग जुड़ जाए, और जुड़ेंगे जरूर। मैं आज नहीं कह रहा हूं, देखिए आप काम देखेंगे, मतलब बातें करने वाले तो बहुत है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और पहले किसी को विश्वास करने की बात नहीं आती है, कि मतलब नहीं करते लोग, और सही भी है। तो पहले काम देखेंगे आप, आपको लगेगा कि भाई इस तरह का काम इस कंपनी के माध्यम से और सबके सहयोग से, लोगों के सहयोग से, हमारे जितने मतलब बाबा साहब के बंदे हैं उनको इन्वॉल्व करके एक व्यवस्था खड़ी करके, हम ये चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति का ध्यान उसमें रखा जाए, एक एक परिवार का ध्यान रखा जाए, और ये जो परिवार है हमारे इन स्थानों पे जो बसते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर तक के, इन सब का ध्यान एक व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाए, ताकि हमारा व्यक्ति बाबा साहब के रास्ते पर चले। इसके लिए जो एक बड़ा स्ट्रक्चर जो हम खड़ा करना चाहते हैं वो है OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म यानी कि एक ऐप है, ऐप जैसे आप दूसरी कंपनियां देखते हैं, Netflix है, Amazon Prime Video है, Zee5 है, इस तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, इन प्लेटफॉर्म्स पर जो आपका कंटेंट देखते हैं उसी तरह का, लेकिन अंबेडकर राइट, अंबेडकरवादी, बहुजनवादी कंटेंट है हम इसमें डालना चाहते हैं। क्या क्या होगा इसमें? फिल्में होंगी, मतलब बड़ी फिल्में भी और छोटी फिल्में भी, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, जो बाबा साहब बुद्ध भीम गीत और जो आंदोलन को दिशा देने वाले गीत, बहुत कलाकार है हमारे समाज में, तो ये म्यूजिक वीडियोज हो गए। रियलिटी शोज में कॉमेडी शोज भी हैं, उसमें फूर्ता नहीं होगी, एक शुद्ध मनोरंजन हमारे लोगों का। और इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीचेस, बड़े लोग हैं हमारे समाज में भी, दिशा दे सकते हैं, उनके भाषण सुनिए आप, वो क्या कहते हो सुनिए, बाबा साहब का जो दर्शन है, बाबा साहब की जो फिलॉसफी है, वो ध्यान में रखते हुए ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस हम इस OTT प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म आने वाले 14 अक्टूबर से लॉन्च करने की हमारी तैयारी है, और इस OTT प्लेटफॉर्म का एक बड़ा हिस्सा होगा इक्वालिटी न्यूज चैनल। ये इसी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि इस ऐप पे आप इस चैनल को देखेंगे, और इस चैनल के माध्यम से ये इतना बड़ा संदेश, बाबा साहब का जो संदेश है और परिवर्तनवादी जो विचार है, ये विचार इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से हम लागू करना चाहते। ग्राम पंचायत स्तर पर जो व्यक्ति अपॉइंटेड है उसको हम कह रहे हैं कि न्यूज रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर, न्यूज रिपोर्टिंग का काम करेगा वो, और साथ साथ कोऑर्डिनेशन मतलब हमारे लोगों के साथ जो है उसका संबंध हो, रिलेशन हो, रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, एक एक परिवार का वो ध्यान रखे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन। और ये कोऑर्डिनेशन और न्यूज रिपोर्टिंग करके हमारा व्यक्ति जो होगा वो आपकी सेवा में लगा रहेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं बता रहा हूं, और आप चाहते हैं कि भाई आपकी मदद हो जाए, आप बताइए, ये सुनेगा आपकी बात, हमारा व्यक्ति, इस कंपनी का व्यक्ति, आपका व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, हम तक पहुंचाएगा, और जो हमसे बनेगा, मैं बड़ी बात नहीं कहता, जो हमसे बनेगा वो करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ईमानदारी पूर्वक कोशिश की जाएगी, और आप समझेंगे कि भाई ये व्यवस्था यदि लागू हो जाती है और परिवारों का ध्यान रखा जाता है तो कोई भी उस चौकट पे नहीं जाएगा और ये बाबा साहब के रास्ते पर चलेगा। अब ये जो लोग हैं जिनको हम नियुक्त करना चाहते हैं वो कैसे हो? पहली बात, बाबा साहब के विचार को मानने वाले लोग, बहुजनवादी विचार को मानने वाले लोग, OBC, SC, ST, ये जो कैटेगरीज है ये बहुजन समाज कहलाता है। OBC में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो OBC हैं, मैं इस विभाग का सेक्रेटरी था इसलिए मुझे मालूम है। तो OBC, SC, ST, बहुजन,
बहुजन समाज का व्यक्ति होना चाहिए वो, और न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए, उसको सामाजिक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए उसके पास में, या पत्रकारिता का अगर अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है वो हो, अगर ना भी हो तो हम उसको ट्रेन करेंगे। और किसी क्रिमिनल एक्ट में, मतलब अपराधी प्रवृत्ति का ना हो। ये दो चार बातें हैं, अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो लोग हमारे पास में आवेदन करेंगे, मैं बताऊंगा आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करेंगे तो उनका सिलेक्शन हम करेंगे और बेस्ट व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। यदि एक ग्राम पंचायत से या शहरी क्षेत्र के वार्ड से या जिला स्तर पर यदि कोई आवेदन करते हैं तो उनमें से जो बेस्ट व्यक्ति होगा उसका हम सिलेक्शन करेंगे। इनको तनख्वाह क्या मिलेगी? पंचायत स्तर पर यदि आप हैं तो आपको आपके घर में रहना है, आपके पास में अगर मोटरसाइकिल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आगे चल के आपके पास में आ जाएंगे, साइकिल तो कम से कम होंगी। और लेकिन इसके साथ आपके पास में एक स्मार्टफोन जरूर होना चाहिए। स्मार्टफोन इसलिए क्योंकि उसमें कैमरा होता है, आपको आपके स्मार्टफोन पे शूटिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, और वो वीडियो इक्वालिटी न्यूज चैनल के हेडक्वार्टर पे भेजना है, स्टूडियो भेजना है, ताकि फिर उसका रिपोर्टिंग हो जाए। तो ये व्यवस्था यदि आपके पास में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपको तनख्वाह मिलेगी 15,000, यानी कि 10,000 बेसिक और 5,000 आपके TADA के लिए, प्लस इंसेंटिव जो उनको काम करना, मैं अभी बता रहा हूं कैसे होगा। ये ब्लॉक स्तर पे जो व्यक्ति होगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम, उनको भी पत्रकारिता या फिर सामाजिक कार्य का अनुभव होना चाहिए, सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसका मतलब पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, और बाबा साहब के विचार पर चलने वाला होना चाहिए, बहुजन समाज का होना चाहिए, ये उनके लिए। वैसे ही जिला स्तर पर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर, DRC, हम उसको DRC कहेंगे, ये पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो तीन बातें जो मैंने बताई वो भी होना चाहिए। ब्लॉक लेवल का या पंचायत समिति जनपद पंचायत स्तर का जो होगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो तीन बातें जो अभी बताई ये क्वालिफिकेशंस है। और BRC को ब्लॉक लेवल वाले को हम 50,000 प्लस इंसेंटिव देंगे, 30,000 बेसिक, 20,000 उनके TADA के लिए, और जिला स्तर पर जो व्यक्ति होगा उनको 50,000 बेसिक प्लस 25,000 TADA के लिए प्लस इंसेंटिव। इस तरह की ये मतलब फीस कहिए या सैलरी कहिए या जो भी आप नाम देंगे, लेकिन इतनी रकम उनको जरूर मिलेगी। लेकिन इससे बढ़कर जो चीज उनको मिलने वाली है वो है उनका ओहदा। और ओहदा कैसे आता है? न्यूज चैनल की ID से। न्यूज चैनल की ID हम देंगे किनको? NRC यानी कि न्यूज रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर, जो स्थानीय स्तर पर रहेगा। देन BRC ब्लॉक रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DRC यानी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर। इन तीनों अधिकारियों को हम न्यूज चैनल की ID देंगे, उनको न्यूज चैनल का बूम माइक देंगे। जिसके हाथ में चैनल का बूम माइक आएगा उसका ओहदा देखिए आप, उसको पावर आएगा, उसको एम्पावर करेंगे हम। वो जब भी समाज में जाएगा, किसी सरकारी अधिकारी के पास जाएगा या कहीं भी जाएगा, तो जब उसके पास में ये बूम माइक और न्यूज चैनल की ID होगी तो उसका जो पावर है अपने आप बढ़ जाता है, और इससे ही लोगों को हम राहत दिला सकते हैं, क्योंकि ये मीडिया का पावर है। ये मीडिया का पावर, सबसे बड़ा पावर इन तीनों अधिकारियों को कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, और इस पावर का उपयोग करते हुए समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को हम राहत पहुंचा सकते हैं। उन पर यदि कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उसका निराकरण कर सकते हैं, और विकास, जहां तक हमारे समाज की विकास की बात है, बहुजन समाज के विकास की बात है, हम उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें अगर हम साथ में जोड़ करके देखते हैं तो हमारा NRC पावरफुल हो जाएगा, हमारा BRC पावरफुल हो जाएगा, और हमारा DRC भी पावरफुल हो जाएगा।
अगर वो हम बोल रहे हैं वो काम करेंगे। जो काम करना है वो इस प्रकार का है, ये जो तीनों अधिकारी है यानी कि NRC, BRC और DRC, इन तीनों को OTT प्लेटफॉर्म इक्वालिटी सिनेमा के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ेगा। यानी पहले से जो मैंने बताया है उसमें लोगों की सेवा, आपका न्यूज रिपोर्टिंग, और इसके साथ साथ अभी जो मैं कह रहा हूं इनका ये तीसरा काम है वो है सब्सक्राइबर्स को कंपनी के साथ में जोड़ना। मतलब जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया में, जिस क्षेत्र में उनकी पदस्थापना है वहां पर उनको हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग या संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, इन लोगों को सब्सक्राइबर्स के रूप में कंपनी के साथ में जोड़ना है। और कंपनी का जो OTT प्लेटफॉर्म है इक्वालिटी सिनेमा, उसके लिए काम करना है। अब मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, यानी हमारे लोगों से अपील करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं आप बड़ी बड़ी कंपनी की फिल्में देखते हैं, आप पैसे दे के रामायण महाभारत देखते हैं, मतलब उनके तो बहुत बड़े बड़े चार्जेस है, पर मंथ उनका चार्जेस का जो ढांचा है वो बड़ा है, ज्यादा पैसे लगते हैं। मैं तो केवल बोल रहा हूं कि हमारे जो परिवार है, जो गांव में बसते हैं, पंचायत में बसते हैं, शहरी वार्डों में, जो झुग्गी झोपड़ी और कहीं भी हमारे, उनको केवल इस कंपनी की, आपके कंपनी की फिल्में देखना है, बड़ी फिल्में देखना है। ये फिल्में जो बड़ी होती है पहले थिएटर में देखना जरूरी है, उसका कैनवास वो है, बड़ा है तो आपको थिएटर में देखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ फिर छोटी फिल्में भी होगी, तो ये बड़ी फिल्में भी और छोटी फिल्में भी फिर OTT प्लेटफॉर्म पर ये आएगी, ये हो गया। देन वेब सीरीज, हमारे महापुरुष हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले, मान्यवर पेरियार जी, मान्यवर कांशीराम जी, ये जो महापुरुष हमारे हैं, हमारे समाज के धरोहर है ये, तो इनके जीवनी पर वेब सीरीज बनेंगी, हम वेब सीरीज निकालना चाह रहे हैं, ये देखिए। देन आपके म्यूजिक वीडियोज है, गाने है, ये परिवर्तनवादी, क्रांतिवादी, ऐसे गाने हमारे बहुत सारे कलाकार हैं, इन कलाकारों को हम चांस देना चाहते हैं, जो आर्टिस्ट है बहुजन समाज के, वो सारे आर्टिस्ट को हम चाहते हैं कि वो इस कंपनी के साथ में जुड़ जाए और उनको काम देंगे, वो एक्टिंग करेंगे, गाने गाएंगे, डांसेस है, बुद्धिज्म का विचार जो है डांसेस के माध्यम से भी एक अच्छे ढंग से लोगों के सामने ला सकते हैं, नृत्य ये है। फिर आपके रियलिटी शोज हैं, रियलिटी शोज के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीचेस है, और आखिरी जो कंटेंट है वो है इक्वालिटी न्यूज चैनल, डिजिटल न्यूज चैनल। इतना सारा कंटेंट केवल 100 रुपए प्रति माह हम लोगों को देना चाहते हैं, और उसमें भी अगर 12 महीने की कोई एकमुश्त, 12 महीने का कोई एकमुश्त भुगतान अगर कोई करना चाहता है तो 12 महीने का 1200 हो जाता है, तो हम 1000 में देंगे, 200 की छूट देंगे, डिस्काउंट। अगर 6 महीने का कोई भुगतान करना चाहता है उनको 500 रुपए में देंगे, 100 रुपए का डिस्काउंट वहां भी है, इस तरह की व्यवस्था है। ये पैसा कंपनी के पास में आएगा, लोग देखिए अदरवाइज भी अगर मैंने ये व्यवस्था लागू नहीं की और हमने ये OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, लोग तो देखेंगे, बोलने की जरूरत नहीं, कंटेंट ही ऐसा है, एडवर्टाइजिंग होगी, लोगों तक ये बात पहुंचेगी कैसा है, लोग तो अपने आप आएंगे। लेकिन मेरी ओर से, कंपनी की ओर से, आपकी कंपनी की ओर से एक ऐसी व्यवस्था मैं लागू करना चाहता हूँ, लोगों का ध्यान भी रखा जाए और ये OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाबा साहब का विचार भी आगे जाए, ये मैं चाहता हूँ, और इसके लिए ये व्यवस्था लागू हो गई है, और हम बहुत जल्द जो है इस तरह का रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। एक फॉर्म आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, उस फॉर्म में जो जो जानकारी है वो भर करके कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, और अपना जो आवेदन है इसमें जो फॉर्मेट दिया गया है वो आवेदन व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपका एप्लीकेशन आ जाएगा,
हम उसकी छानबीन करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे और फिर जो है एक शॉर्ट लिस्ट होगी और उस पंचायत में, उस ब्लॉक स्तर पर, उस ज़िले में इसकी इसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अपनाएंगे। और इस तरह से नियुक्तियाँ होंगी, पहले नियुक्तियाँ ट्रायल पे होंगी, एक महीने का ट्रायल होगा, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं, वो लायक है नहीं है, इसका ट्रायल होगा। और ट्रायल के बाद जो है उनको एक रेगुलर जो उनकी नियुक्ति कंपनी की व्यवस्था में उनकी हो जाएगी। तो न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम भी करेंगे, कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। अगर यह होता है तो हमारा आदमी लाचारी से मुक्त हो जाएगा। ये व्यवस्था, आपकी व्यवस्था अगर इसमें लागू हो जाती है, लोगों का ध्यान रखा जाता है, अपनापन डेवलप हो जाता है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बाबा साहब का झंडा अपने हाथ में लेकर आगे चलते हैं, तो सामाजिक क्रांति तो अपने आप हो जाएगी। तब जो है सामाजिक क्रांति और बाबा साहब का विचार मजबूत हो जाएगा। और ये दोनों चीजें अगर होती हैं तो बाबा साहब की सरकार इस देश में लागू हो सकती है। इसमें बड़ी भूमिका हमारा सर्विस क्लास अदा कर सकता है। हमारा सर्विस क्लास, बड़े अधिकारी, मिडिल लेवल के अधिकारी और हमारा जो स्टाफ है, क्लास 3 एम्प्लॉयज, क्लास 4 एम्प्लॉयज, ये बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। हम इक्वालिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, डिजिटल न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो 24/7 लाइव होगा, इस तरह की न्यूज़ की व्यवस्था है, उसमें हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है अन्याय का, अत्याचार का। उनके CR खराब कर दिए जाते हैं, उनकी डी की जाती है, किसी को नौकरी से निकाला जाता है, किसी को सस्पेंड किया जाता है, ये तमाम बातें होती है। हम उनकी भी रक्षा करने के लिए आ गए हैं, आएंगे। आप निश्चिंत रहे मेरे अधिकारी और कर्मचारी भाइयों, बहनों, ये आपका चैनल बनेगा, आपकी आवाज़ बनेगी ये, और आप हम मिलकर ये व्यवस्था लागू कर सकते हैं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ, शंका मत कीजिएगा। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई छिपा एजेंडा नहीं है, जो बात मुझे कहनी थी मैंने आपको कह दी। इसमें आपकी सहायता चाहिए, बाबा साहब के विचार को आगे ले जाने के लिए सहायता चाहिए। आप तो वैसे भी, आप तो सर्विस पेशा व्यक्ति हो, आप तो वैसे ही आप फिल्में देखते हैं, बाकी कंपनीज की फिल्में देखते हैं, उनके सीरियल्स देखते हैं और पैसा खर्च करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 रुपया प्रति माह केवल इसकी कीमत है। ये OTT प्लेटफॉर्म, इस समाज का OTT प्लेटफॉर्म होने वाला है। ये बड़ा आंदोलन है, ये और बड़ा कंटेंट है, और इस कंटेंट को समाज तक पहुंचाने के लिए, एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपकी भूमिका अच्छी हो सकती है। मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप सवाल पूछिए, उन तमाम सवालों का जवाब हम देंगे। कोई अपने मन में सवाल मत रखना, जो आपको मेरी टेस्ट लेना है कि कहीं ऐसी वैसी बात तो नहीं है, आप लीजिएगा। हाँ, मेरे, मुझ पर जो है, बाकी जो जातिवादी लोग हैं, मतलब मुझे टारगेट किया जा सकता है, लेकिन मैं निकला हूं, मैं बाहर आके निकला हूं और बाबा साहब का झंडा हाथ में लिया है। मैं तो आर्थिक क्रांति से सामाजिक क्रांति की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। जिस आदमी के जेब में पैसा नहीं रहता है, अपने परिवार की देखभाल करने के लिए पैसा नहीं रहता है, वो लाचार ही रहता है, और लाचार आदमी सामाजिक क्रांति नहीं कर सकता। जरूरी क्या है? जरूरी है कि बहुजनों के लिए कुछ किया जाए, और ये कुछ किया जाने का मेरा निवेदन है। साथ जरूर देना, शंका मत करना, ये शंका का समय नहीं है। अगर साथ देंगे तो नई व्यवस्था लागू हो सकती इस देश में, और मुझे आशा है आप साथ देंगे। बाबा साहब के बंदे हैं मित्रों, चलो बाबा साहब के रास्ते पर। जय भीम।